हेलो स्टूडेंट्स, अब मेरा यूट्यूब चैनल जो है बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं अगेन आप लोग को जो है वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और आपको मैं यह कहूँगा कि आपको मैं सप्ताह में दो तीन वीडियो जो है मैथमेटिक्स का जो कि कॉम्पिटेटिव होगा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, तो मैं उसका अवेलेबल कराऊंगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो अब मैं उसी कड़ी में और जो है एक नया बैच जो है 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किए हैं सफल हुए हैं, सबसे पहले मैं उस सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देता हूं। और जो इच्छुक हैं जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सफलता की मैं क्या कह सकता हूँ, यानी आपका सफलता का परसेंटेज जो है 110 रहेगा अगर आप यहाँ क्लास करते हैं। तो अति शीघ्र आप बैच को ज्वाइन करें, 6 बजे मॉर्निंग में जो है 6 AM से 7 AM तक बैच रहती है, आप उसको ज्वाइन करें अति शीघ्र। तो आप देखिए एक दो क्वेश्चन है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 20 है प्लस है, रूट अंडर 20 है प्लस, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करें, सबसे पहले 20 को दो संख्या के फैक्टराइज में मल्टीप्लाई करें। देखिए जैसे 5 × 4 और अंतर जो है इसका 1 कराना चाहिए। 5 × 4 का अंतर 1 है, और अगर प्लस केस चलेगा तो बड़ा अंक हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा, याद रखना है। अगर यहाँ प्लस 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 चल रहा है इसका आंसर, और अगर ये माइनस माइनस चलता है तो यहाँ 4 हो जाता है आंसर। और सेकेंड क्वेश्चन है, यदि x+1/x = 3 तो x^4 + 1/x^4 इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ मत करना है, आराम से आप क्या करें, 3 का स्क्वायर 2 घटा दें 7 आएगा, और फिर 7 का स्क्वायर तो इसका आंसर आ गया 47। जैसे यहाँ 4 है तो 2 बार आपको स्क्वायर किया, 2 घटाया, फिर स्क्वायर किया, 2 घटाया। अगर मान लीजिए 8 रहता तो 3 बार ऐसा प्रोसेस होता। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।